नमस्कार दोस्तों, तो मैं आप सभी लोगों को आज बताने जा रहा हूँ ये वाला पार्ट जो कि वर्क पैरा सेटअप का पार्ट है। ये सारा पार्ट देखिए यहाँ पर खुल गया, सारे पार्ट मैंने यहाँ पर खोल के आप लोगों के सामने रख दिया है। जैसे ये निडिल स्टार्ट है, अगर ये एक से है, अभी हमारा 93, अगर एक से करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ इधर डिस्प्ले की साइड इधर को आएगी, मतलब जैसे ये है ना इधर को आएगी। अगर जैसे 93 से हम 100-150 करेंगे तो वो आगे को जाएगा, ठीक है। ये स्टार्ट निडिल को करता है, मेन लो स्पीड 1 और मेन लो स्पीड 2, ठीक है। ये वो स्पीड होती है जो रीसेट के बाद स्पीड जाती है, वो वाली स्पीड होती है। इसके बाद जो ये तीसरी स्पीड है, ये वाली जो ये रीसेट वाली स्पीड, जब हम ये वाला +1 F1 को दबा के मशीन को रीसेट करते हैं तब वो ये स्पीड है हमारी 15 नंबर। इसके बाद हमने क्या करना, मेन मिडल स्पीड, ये स्पीड वो होती है जब हम कोई भी चीज़ चलाते हैं तो वहाँ पर कम से कम स्पीड कितनी रखनी है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 35। जैसे अभी 4 लिब्रा की कोई भी चीज़ चलती है, या कई बार क्या होता है कि जब हमें टेप बनाते हैं तो उसमें लूज कोर्स डालना होता है तो वहाँ कम स्पीड होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 35 रखा हुआ है कि 30 तक हम 35 तक स्पीड कम करके आराम से लूज कोर्स और 4 लिब्रा का गेड़ा मशीन से दे सकें। और मेन हाई स्पीड हम 70 किए हैं, इसलिए कि अगर मेन हाई स्पीड 70 रहेगी तो हमारी मशीन ज़्यादातर 55 और 60 पे चलती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है 70 करके रखा हुआ है। आप 75, 80, 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, पर आपको जो ये 5 नंबर होता है इससे दबा के कितनी स्पीड मेंटेन करनी है वो यहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ हमने ज़्यादा रखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 चीज़ के बारे में आपको बताया। और यार्न डाउन जो हेड लिखा हुआ है इसको ये अभी आप लोग रहने दीजिए, जो यार्न डाउन हेड है इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा। और ऐसा ही आपको टाइटल और थंबनेल मिलेगा, यार्न डाउन ए हेड, ठीक है। ये मैं बता दूंगा, जैसे हमारा जब फिटर आता है तो उसके कितने पहले फिटर का वो जो गिर रही है ना, आप लोगों को दिखाऊं, वो जो फिटर को लेके जा रही है वो कितने पहले गिरना चाहिए वो यहाँ पर ये चीज़ है। और टर्निंग स्पेस, अब टर्निंग स्पेस क्या होता है इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, अभी भी मोटा मोटा बता देता हूँ। ये जो मशीन उधर से घूम के आ रही है वो टर्निंग स्पेस है, हमारा यहाँ पर टर्निंग स्पेस क्या है, हमने 1500 रखा हुआ है। अब हमारी मशीन देखिए, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब यहाँ से गई तो ये 1500 आगे को गई है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप यहाँ से ये देखिए, ये हमारी सुई है, ये वाली ये हमारी सुई है, यहाँ से और इसके बीच में ये जो लगा हुआ है, यहाँ से और इसके बीच में जब आप गिनती करेंगे तो आपको 1500 ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं विश्वास है तो मैं गिनती करके दिखा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ये देखिए पूरा यहाँ पर देखिए, हमारे सामने पीछे आप देखिए जाके, कैमरा अगर हमारा आपको दिखा रहा होगा तो एकदम पीछे जाके देखिए कि यहाँ तक 15 आ रही है, और हमारा जो ये गेड का एरिया ये वाला गेड का एरिया यहाँ पर जो मेरा यहाँ हाथ दिख रहा, उंगली दिख रही है आपको, तो दिख रही होगी, हाँ ज़रूर दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ जो ये देखिए पीछे से दिख रही है ये उंगली, और यहाँ से यहाँ के बीच में सुइयों का अंतर 15 है। इसी तरह जब ये वापस इधर को आएगी, जब ये इधर को आई है तो यहाँ से देखिए ये जो बेड है, यहाँ से और यहाँ जहाँ ये चल रही है ये सुई, यहाँ तक ये पीला दिख रहा है, यहाँ से और इसके बीच में 1500 का गैप होता है, जो कि बेड 1500 पीछे से फिर वापस मुड़ता है। तो इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं टर्निंग स्पेस, इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ाना हो तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हो गया बैक सिंकर रीसेट और फ्रंट सिंकर रीसेट, ये सिंकर ये होता है, और कितने लोगों को यही नहीं पता है कि ये सिंकर होता क्या है, तो मैं ये बता दूँ, ये सुइयों के बाद जो ऊपर ये लगा होता है आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो ऊपर लगा ये सिंकर होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया फ्रंट का सिंकर,
और ये वाला जो दिख रहा है ये हो गया बैक सस्पेंशन। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो रेस्ट पीस। अगर हम जब यहाँ पर अभी हमने जीरो भरा हुआ है, यहाँ पर हमारा जीरो आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर हम क्या करेंगे जब दो पीस बनाएंगे, जैसे दो हम बना दिए, यहाँ पर दो भर दिए, यहाँ पर दो भर दिए, तो वो क्या करेगी, दो पीस बनाएगी, इसके बाद ऑटो अपने आप आके यहाँ रिसेट हो जाएगी। तो वो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और ये स्क्रीन सेवर टाइम है, जब हमारी ये स्क्रीन होती है जब चलती रहती है, जैसे कि हमारे देखिए वो स्क्रीन चल रही है ना, अगर उसको हम टाइम लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगी कि यहाँ पर वो स्क्रीन सेवर का टाइम उतना चलने के बाद सेकेंड 15 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी चलने के बाद ऑफ हो जाती है। लेकिन हमने इसको ऑन रखा हुआ है क्योंकि यहाँ हमने 15 सेकेंड का टाइम तो दे दिया है, लेकिन हम स्क्रीन सेवर को नो रख दिए हैं, यस नहीं किए हैं, ठीक है, इस करके हमारा ये ऑन ही रहता है। और शॉक इनेबल, शॉक इनेबल क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शॉक इनेबल वो चीज़ होती है जब बेड पर या तो ये चीज़ कुछ भी या कोई सामान यहाँ नीचे से, मतलब यहाँ से नीचे गिरे और इस बेड पे हमारे टकराती है, तो जो शॉक इनेबल होता है वो क्या करता है कि जब टकराने की स्थिति में क्या करता है कि इसको बताता है शॉक सेंसिबिलिटी को। अगर ये यस रहेगा, यस है इस समय हमारा चालू है, अगर ये चालू है तो तुरंत इसको हेड करेगा, और ये क्या करेगा कि 45 से ज़्यादा अगर उसकी हीट जो है, मतलब उसकी लगने की जो क्षमता है 55-60% से ज़्यादा हुई, तो यहाँ पर फिर ये दोबारा इसको कमांड कर देगा कि हाँ कुछ बेड पर गिरा हुआ है या कोई सामान टूटी है, तो वहाँ पर क्या होगा कि शॉक इनेबल फ्रंट बेड या बैक बेड पर वहाँ दिखाने लगेगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। इसके बाद अब ये हो गया सेफ गेट फ्रंट, ऊपर यहाँ पर साइड भी लिखा है सेफ गेट बैक। तो ये कितने लोगों को पता है यहाँ पर क्लोज है, क्यों क्लोज है, ये मैं कल आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं दोबारा आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो निडिल स्टार्ट है, ये आप लोगों को जान जाइए कि अगर निडिल स्टार्ट हमारा शुरू यहाँ 1 से होता है और हमने यहाँ 93 पे लगाया हुआ, अगर हम 150 करेंगे तो और आगे हो जाएगा, और हम 50 करेंगे तो इधर पीछे को आ जाएगा, मतलब इधर को आ जाएगा, इसको हम पीछे बोलते हैं अपनी भाषा में, जब आगे को बढ़ाना होता तो उसको आगे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हमने जो ये स्पीड हमारी दोनों, ये तो हम आप लोगों को बता दिए हैं, एक आने की एक जाने की स्पीड है, और इसके बाद एक स्पीड और है जो रीसेट होती है मशीन, हम इसको F1 से दबा के रीसेट करते हैं, वो स्पीड है। और इसके बाद जो मेन मिडल स्पीड है वो हमने 35 रखा हुआ है, जो आप लोगों को पता है कि जब आप सेल्प का पल्ला बनाते हो तो उसमें 24 नंबर को कम स्पीड पे रखते हो, और 8 नंबर या 11-12 जो भी होता है 8-9 नंबर उसको आप ज़्यादा स्पीड पे रखते हो। तो वही चीज़ यहाँ पर काम करती है कि आपने कैसे क्या क्या रखना है, तो उस हिसाब से काम करती है। हमारी कम स्पीड 35 है और ज़्यादा स्पीड हमारी 70 है। अगर हम 5 नंबर दबा के यहाँ पर अभी दिखा देते हैं आपको, अगर हम ये 5 नंबर दबा के यहाँ पर क्या नाम है सॉरी 12 नंबर हमारा 55 चल रहा, वहाँ 70 की है, 5 नंबर दबा के यहाँ 100 भी कर दिया, अगर तो 70 की ही स्पीड उठाएगी, ना कि वो 100 की उठाएगी, ठीक है। जितना हम वहाँ अंदर से कमांड देंगे उतना ही ज़्यादा ज़्यादा स्पीड वो उठाएगी। और इसके बाद दोस्तों आपको हम बता दें कि यार्न डाउन हेड, इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आने वाले समय में हम इसको पक्का बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। ये वो चीज़ है जो फिटर को उठाने के लिए मैग्नेट आता है, उसको बताता है कि कितने सुई पहले यहाँ पर ये गिर जाएगा। तो हमने 35 रखा हुआ है और पहले इसको गिर के फिर फिटर को ऐसे गिरता टक करके फिर फिटर को लेके जाता है। और टर्निंग स्पेस हमारा आप लोगों को बता दिए हैं अच्छे से कि टर्निंग स्पेस क्या है। तो फिलहाल मेरी मशीन रुकी है, अब मैं जा रहा हूँ इसको चलाने, और इसके बाद हम टर्निंग स्पेस आपको बता दिए हैं। इसके बाद अब रह गया है आपका बैक रीसेट वाला और फ्रंट रीसेट वाला, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद रह गया ऑटो रीसेट पीस, इसके बारे में भी हम बताए हैं आपको, इसके बारे में भी बता दिए हैं, इसके बारे में भी बता दिए हैं फिंकर वाला,
ये दोनों सिंकर के बारे में भी बताए हैं, और इसके बाद ऑटो रिसेट वाले के बारे में भी बता दिए हैं। फिर ये स्क्रीन सेवर टाइम में भी 15 सेकंड का लगा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, इसको नो किया, इस करके हमारी डिस्प्ले बंद नहीं होती है। और इनेबल सॉक हमने बता दिया, यस किया हुआ, अगर ये 50% से ज़्यादा अगर बेड पर हीट करेगा तो हमारी मशीन तुरंत रुक जाएगी, और वहाँ पर सॉक इनेबल फ्रंट होगा तो फ्रंट बताएगी, अगर पीछे वाले बेड पर अगर कोई खतरा आएगा तो पीछे वाले पर बैक बताएगी। और इसके बाद सेफ गेट फ्रंट और सेफ गेट बैक, ये हम आप लोगों को कल बताएंगे। और बाकी ये जो चीज़ें हैं, इधर लेफ्ट कैरिज, राइट कैरिज, के एक्स वाई एस लॉक, और ये टाइमिंग एडजस्ट वाला, ये और केयर एस टाइम, ये सब चीज़ें हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ तक आप समझिए, इसमें अब बताने वाला बस एक ये रह गया, एक ये रह गया है, बाकी एक ये सिस्टम वाला रह गया। तो ये तीन चीज़ की जानकारी हम आप लोगों को कल दे देंगे। आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।